हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। चलिए आज बनाते हैं हम मटर मशरूम। तो विंटर सीजन में बहुत अच्छी फ्रेश ये मशरूम भी आते हैं और मटर भी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। ये है मशरूम जिसे मैंने वॉश करके ये देखिए पीसेस में कट कर लिए हैं, 4 पीसेस कर लिए हैं एक मशरूम के। इसके अलावा मटर है, ये हमारा है, ये टमाटर पेस्ट है, ये हमारा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा और भी मसाले हम डालते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हमने एक पैन चढ़ा दिया है, ये हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो रहा है, तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें जो ये मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, ये प्याज हमें हल्की से जो भून जानी है इसका कच्चापन निकल जाए, ये रॉ स्मेल जब चली जाएगी तब हम इसमें बाकी के अपने मसाले डालेंगे, टमाटर पेस्ट डालेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसे भूनेंगे ना। अभी प्याज हमारी ये भुन गई है तो अब मैं इसमें डालूंगी ये टमेटोस, टमेटो प्यूरी ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी मसाले, तो ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैं 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा हल्दी 1 चम्मच, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ, आप टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए अपने। थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी हमने डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे। ये नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए, मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब मैं इस मसाले को भून लूंगी जब तक कि ये मसाले से तेल बाहर न आए। ये मसाला हमारा भुनने लगा है, अभी थोड़ा टाइम है इसमें और मैं इसी टाइम इसमें ये कसूरी मेथी थोड़ी डाल रही हूँ, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको मैं डाल के थोड़ा और। ये मसाला हमारा भुन गया है, ये देखिए मसाला पूरा छोड़ने लगा है पैन। ऑयल मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं हमेशा हेल्दी कुकिंग की बात करती हूँ, तेल मैं बहुत ज्यादा नहीं यूज करती। अभी मैं इसमें मटर डाल दूंगी, और मटर के साथ थोड़ी देर भूनूंगी जिससे मटर हमारी पक जाए। ये मटर हमारी लगभग 1/2 कप हो गई है, ये पक चुकी है, तो अभी मैं इसमें मशरूम डाल रही हूँ और मशरूम डाल के मैं थोड़ा इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा ये मटर मशरूम अच्छे से भून गया, ये थोड़ा सा गरम मसाला है तो मैं वो गरम मसाला भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मटर मशरूम अच्छे से ये हमारे भून गए हैं, तो अब इनमें मैं पानी डालूंगी। तो बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, शायद आपको उतना वीडियो में नहीं दिख पा रहा है, बट कलर भी बहुत अच्छा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बन रहा है हमारा मटर मशरूम, तो अभी मैं इसे पकने दूंगी थोड़ी। ये देखिए हमारी मटर मशरूम रेडी है, ऑलमोस्ट ये पक गई है, तो अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये हमने बोल में निकाल लिया है और इसे मैं ये कटी हुई हरी धनिया से थोड़ा गार्निशिंग करूंगी इसकी, और ये हमारी मटर मशरूम रेडी है, बहुत ही फटाफट बनी, बहुत टेस्टी, आप जरूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।